रिसेंटली वी विजिटेड लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, जो कि 1727 में खुला था, जौहरी बाजार में जयपुर में है। और ये हमने ऑर्डर किया था वहाँ पे राजस्थानी थाली, जो कि है ये शोरबा पापड़ का सूप, बहुत अल्टीमेट था, खाने में बहुत स्वाद था, मस्त रहा है। 650-650 की ये थाली है, एक बंदा ही ये थाली खा सकता है, शेयरिंग बेसिस पे नहीं है, बट आप जितना रिफिल कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। बहुत अल्टीमेट फूड था इनका, एक बार तो ट्राई करना बनता है, सब कुछ बहुत अच्छा था। और आप जितना चाहें रिफिल बार बार आप करा सकते हैं। ये भैया मुझे समझा रहे हैं मुझे क्या चीज़ कैसे। मैम देखिए, राजस्थानी थाली है, ठीक है मैम, जिसमें थाली तीन स्वीट होती है ना, जिसमें दो तरह का चूरमा होता है ना, ये आपका बर्फी है मैम, ये बूंदी रहता है मैम, ये राइस है मैम, ये करी, राइस और करी का कॉम्बिनेशन है मैम। उसके बाद ये गट्टे की सब्जी है मैम, ये केर सांगरी की सब्जी है, ये दाना मेथी किशमिश है मैम, ये भिंडी की सब्जी है, ये मैम चार सब्जी आपका रोटी के लिए है मैम, ये बेसन की मिशी रोटी होती है, ठीक है, बाकी ये दाल है मैम, और ये दो तरह का बाटी है मैम, ये मसाले वाली मैम और ये प्लेन, ठीक है मैम। हाँ, जो दाल बाटी चूरमा होती है ना, यही है मैम। तो सबसे पहले स्टार्ट किससे करना है खाने के लिए, देखिए सबसे पहले दोनों बाटी को आप क्रश कीजिए मैम, ठीक है, क्रश करके उसके ऊपर दाल डालिए, अगर स्वीट में खाएंगे मैम तो ये दोनों चूरमा मिला के, इसलिए दाल बाटी चूरमा स्वीट एंड सॉल्टेड, इसका टेस्ट बैठेगा मैम बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। थैंक यू सर। सो ये मैंने बाटी का चूरमा करके इसके ऊपर डाली है दाल, नाउ आई एम गोना टेस्ट इट। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ गट्टे की सब्जी, जो कि मैंने तीन बार रिफ़िल करवाई, और इनकी दो तीन चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो मुझे इनका बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, और मुझे कैर सांगरी की सब्जी बहुत अल्टीमेट लगी। मस्ट ट्राई है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो, फॉलो फॉर मोर, टेक केयर, बाय।